होने वाला है, लेकिन इसमें इसके दूध की तकलीफ के लिए हम जा रहे हैं गांव। इसके लिए इसको पैसा नहीं है हमारे पास। पैदल चलने का फैसला क्यों लिया आपने? अरे नहीं जाते तो हम अपने बच्चे को क्या पिलाते, पैसा नहीं है हमारे पास ना दूध के लिए। नजदीक थोड़ी ना है, कितना किलोमीटर दूर है पता है? अब तो मालूम है, लेकिन अब क्या करें, अब तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। बच्चा है हमारे पास, उधर हम क्या इसको खिलाते पिलाते, हम लोग होते तो चल जाता। इधर मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, हाँ तो गाड़ी वीड़ी चल नहीं रहा है। 22 तारीख को लॉकडाउन किए हैं, फिर इसके बाद जो पैसा था, हम रोज़ कमाने वाले रोज़ खाने वाले हैं। गलत बोलता हूँ बोलना, मैं ना तो रूम लिया हूँ ना तो कुछ है। टैक्सी में खाना, टैक्सी में रहना, टैक्सी में नहाना, हमारे पास पैसा नहीं है। घर का अकेला हूँ, बाप ख़त्म हो गया है, क्योंकि हम अपना गार्जियन स्वयं हूँ, तो हम नहीं कमाएंगे। हमारे पास और बीवी है, बच्चे हैं, और घर पे माँ है अकेली, तो हम कैसा खिलाएंगे, यही बताइए आप। जो भी बस वाला मिल रहा है तो 2-3 लाख रुपया मांग रहा है। बस का किराया कितने लोगों का? 25-30 लोग का।